दुश्मन क्या बात है, ये दुश्मन हौसले वाला है मगर दमदार नहीं। क्या बात, ये दुश्मन हौसले वाला है मगर दमदार नहीं, और बार करता तो है मगर असरदार नहीं। और तू क्या तीर चलाएगा किसी की छाती पे काया, तेरे पास तो खुद हथियार डालने को हथियार नहीं। क्या बात है, कुरुक्षेत्र में आज दो महारथी आपस में भिड़ जाते हैं। अर्जुन के सामने कर्ण, आज कर्ण अर्जुन को ललकारते कहा रे कायल, तुमने बड़ी अनीत की है मेरे साथ, और जिस दिन हम अपनी पे आ गए तो भक्ते नजर आओगे, और ये धंधा बंद हो जाएगा, भूखे मर जाओगे। आजकल लड़कारते हैं, कहते हैं क्या क्या, हेलो कहा अर्जुन, ये तुझ को समय में जिंदा वो जितनी बची जो अकल है अभी मैं मिटा दूं। कहा अर्जुन, यही तेरी पहली ख्वाहिश और ये जंड आखिरी है। कैसा भैया, ये तू क्या महारथी है, अरे तुझको बचाने वाला तेरा सारथी है। अर्जुन, ये तू क्या महारथी, श्री सरदार सिंह जी गोलिया मूला पार वालों की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद भैया जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ₹201 का आशीर्वाद हमारे परम सम्मानीय बड़े भैया रामेश्वर भैया मीना जी, श्री प्रीत मंडल बाबाई, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होते हैं भैया जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यही तेरी पहली ख्वाहिश ये जंग आखिरी है, तू सुनकर अर्जुन ललकारते हैं कि कर्ण
गनीमत है अभी सब्र मेरा, मैं अभी लबालब भरा नहीं हूँ। गनीमत है अभी सब्र मेरा, मैं अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझता है, अरे वो मुझे मुर्दा समझता है, उससे जाकर कह दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्या कहते हैं? कर्ण, अरे बच नहीं पाएंगे जो सामने आया दुश्मन, अरे आज ललकार तेरी लाश पे डालूंगा कफन, आज ललकार तेरी लाश पे डालूंगा कफन, आज ललकार तेरी लाश पे डालूंगा कफन, आज ललकार तेरी लाश पे डालूंगा कफन। बच नहीं पाएगा ललकार तेरी लाश पे डालूंगा, तीर पर तीर चले क्या कहते हैं अर्जुन? क्या कहा कर्ण? ये जलवा मर्द का जलवा, कोई वीर हो तो टकरा ले, समर भूमि में हो साथी जो तेरे, हिमाती जो तेरे, चुन चुन सभी को बुला ले, कर्ण आज जो तेरे साथी हिमाती है सबको बुला ले। चुन चुन सभी को बुला ले, दो सौ 51 रुपए का आशीर्वाद परम सम्मानीय हमारे ध्रुव मा साहू जी मीना, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होते हैं भैया जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और 51 रुपए की राशि चिराग टाटू भैया आपकी ओर से प्रदान होते हैं, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा क्या? ओ आजा कायर तुझको, ए आजा कायर तुझको लड़ना
भगवान कन्हैया की नटखट लीला। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, हो गई। मटकी बदल बदल के परेशान हो गई। ये 501 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया श्री नागराज भजन मंडल इटारसी के गायक महोदय महेश भैया आपकी ओर से प्रदान होते हैं। भैया हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज गोपियां मैया शिकायत करती है कि मैया रोज तुम्हारा लाल हमें परेशान करता है, रोज हमारी मटकी फोड़ता है, क्या कहते हैं? ओहो ए मां तेरे कान्हा मैया तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा मैया तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा, तेरे कान्हा ने ले ली ना दही मटका मेरा। तो जब मैया सोदा कुछ नहीं करती है तो गोपियां कहती है हमारे मक्खन की सुरक्षा और दही की सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। ओहो आज गोपियां अपने घर में दरवाजे में ताले डाल देती है तो भगवान कन्हैया कहते का ए गुजरिया ओ हम खिड़की ताले तोड़ के खाने वाले हैं, एक घर ताले है तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, घर ताले है तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, घर ताले है तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, ओ घर ताले हैं तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, घर ताले हैं तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, घर ताले हैं तो क्या हुआ क्यों डाले हैं, कहा क्या ओ हम दरिया के हैं दीवाने, हम मगन के हैं दीवाने, हम दरिया के हैं दीवाने, हम मगन के हैं दीवाने, हम दरिया के हैं दीवाने, हम मगन के हैं दीवाने, जी भैया हमारे परम सम्मानीय गौरव भैया जोशी जी मूलापार वालों की ओर से 51 रुपए की राशि। ओ भैया आपकी फरमाइश है दहेज प्रथा, तो आज गोपियां कहती है अरे सो रही थी मैं तो पकड़े के बाद, अरे ले मटकी प्यारे, क्या बात है प्यारे, होले मटकी के पीछे से निकल गए, ले मटकी के पीछे से निकल गए, मटकी कभी निकल गए, जयमन की पीछे से निकल गए, जयमन की पीछे से निकल गए। दहेज प्रथा ये बिल्कुल सच्ची घटना, इस संसार में हर बाप की ये चाहत होती है कि मेरी बेटी अच्छे परिवार में जाए, बड़े परिवार में जाए। यो हो
एक गरीब किसान जिसने अपनी 4 बीघा जमीन बेच के अपनी बेटी की शादी एक बड़े परिवार में कर दी, और वो दहेज के लालची परिवार ने एक दिन उस बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की। जैसे तैसे आधी जली हालत में वो बेटी अपने आप को बचा के थाने पहुंच जाती है और दरोगा जी को लिखवाती है कि बाबूजी क्या आज सास ससुर ने मुझको पकड़ा और किया कमरे में बंद, तेल की कुप्पी लेकर आई हो मेरी छोटी नंद। और बाबूजी ए हाथ में दिया सलाई, हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, ए हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, ए हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाई, ए हाथ में दिया सलाई। ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद, सास ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद, सास ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद। सम्माननीय माता रानी श्री नवदुर्गा उत्सव समिति बूढ़ा पार, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद भैया जी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अरे सास ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद, सास ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद, सास ससुर ने मुझको पकड़ा किया कमरे में बंद। अरे तेल की कुप्पी लेकर आई, अरे मेरी छोटी नंद हाथ में दिया सलाई साहब से कहती, कहा बाबूजी मेरे पिता की जितनी हैसियत थी सारा कुछ दहेज इनको दिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी डिमांड इनकी मांग कभी पूरी ना हुई। श्री राधे राधे इंटरप्राइजेस माखन नगर, आपकी ओर से भैया 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा बाबू जी ओ सब कुछ दिया पिता ने एक काली ना दे पाए, सब कुछ दिया पिता ने एक काली ना दे पाए, सब कुछ दिया पिता ने एक काली ना दे पाए, बस ओ इस बात पे मुझको घर वालों ने दिया जलाए, इसी बात पे मुझको घर वालों ने दिया जलाए, इसी बात पे मुझको घर वालों ने दिया जलाए। और मेरी सास रोज मुझे ताने मारती थी, पुनः एक बार गौरव भैया जोशी जी आपकी फरमाइश पे भजन चल रहा है, आपकी ओर से पुनः 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हाथ में दिया सलाई पिया ने आग लगाए, पूछते हैं कि तुमने भी कोई गलती की होगी, वो बेटी कहती है बाबूजी क्या
मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरे पिता गरीब हैं और मैं मेरे परिवार में दिन भर काम करूं मैं घर को मोहे समझे दासी मेरी सास मुझसे इतनी बेईमानी करती है क्या ये सब तो खावे चुपड़ी रोटी मोहे देवे बासी शानदार प्रस्तुति श्रद्धा भजन मंडल भोपाल।